जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग आबू रोड द्वारा संचालित छात्रावासों विद्यालयों में बालकों के पानी पीने के लिए आबू डेवलपर्स द्वारा 200 कैंपर भेंट करने के उपलक्ष्य में टेलीमेडिसिन सेंटर जनजाति भवन आबू रोड में भामाशाह बहुमान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया द्वारा भामाशाहों का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। इन भामाशाहों को जनजाति छात्रावासों में प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग की अपील की। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोहर सिंह ने कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए भेंट की गई सामग्री का समुचित उपयोग व संरक्षण का विश्वास दिलाया। भामाशाह लक्ष्मण सालंकी ने समय समय पर सहयोग के लिए आबू डेवलपर्स व अन्य जनकल्याणकारी संस्थाओं के द्वारा अभावग्रस्त बालकों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने का वादा किया। प्रधानाचार्य रमेश मेघवाल ने सभी का समारोह में स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। नायब तहसीलदार मोहन डांगी ने मंच संचालन करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आबू रोड का वार्षिकोत्सव सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर कन्हैयालाल खरे जिला परिषद सदस्य नासिर भाई डायरेक्टर आबू वेलफेयर रमेश भाई बीके मधुबन रेडियो छात्रावास अधीक्षक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया द्वारा छात्रावास अधीक्षकों की बैठक ली गई और आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए छात्रावासों को बेहतरीन बनाने और बालकों को विभागीय सुविधाओं को प्रदान करते हुए बालकों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। क्षेत्रीय भामाशाहों को भी प्रेरित कर छात्रावासों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। कि जिस दिन मैंने कार्यक्रम किया और मैं श्रीमान उपखंड अधिकारी जी से उपायुक्त महोदय से मिलने गया तो आपने मुझे पहला कार्ड दिया और कहा कि ये भामाशाह स्वेच्छा से मेरे पास आए थे, आप इनसे संपर्क करें। और हमेशा से ये चूंकि जीवन में कई अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी आपने भी महसूस किया होगा कि सर का जो ध्यान शिक्षा पे है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का मूलभूत आधार है, शिक्षा से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आपका हमेशा ध्यान रखते हैं, आप जब भी विजिट में जाते हैं तो आप उन छोटी छोटी बातों को नोट करते हुए हमेशा ये देखते हैं कि हमारे हॉस्टल किस प्रकार से आगे हैं, हमारे हॉस्टल किस प्रकार से आगे बढ़े। और जब मैंने कन्हैयालाल से संपर्क किया कि श्रीमान ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा था, मुझे भी इस बात की खुशी है। और वाकई भामाशाह नाम का भी शादी कर दिए है राणा प्रताप के लिए, स्वयं आगे बढ़े गए। भामाशाह हमारे जब व्यापार पर संकट आ गया राणा प्रताप के पास धन दौलत कमी होगी, तब भामाशाह नाम के वहाँ के व्यक्ति थे वो खुद आगे राणा प्रताप के पास जाके कहते हैं कि मेरा खजाना देश हित में राष्ट्र हित में समर्पित है। और ऐसा ही आप कन्हैयालाल के निशा प्रधान लक्ष्मण भाई स्वयं हमारे डीएवी कार्यालय आए और इन्होंने कहा कि आप बताइए और ऐसा काम बताइए, हम एक मिशन के रूप में करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा काम बताइए जो अभिनव हो सके। श्रीमान उपायुक्त महोदय ने भी निर्देश दिए कि ग्रीष्म का समय आ रहा है।